कहाँ से उतर रहा है? तेरी माँ कहाँ गई? ये रही। तू पागल है? कहीं भी गिर जाती है, चुक रही थी पैसे। उठे ऐसी चप्पल मार रही है यार, कहीं भी बेइज्जती करानी शुरू कर दे तो अंदर चलो यार। तूने अगर मेरी बेइज्जती करा ना टीचर के सामने, जूतों से मारूंगा तुझे। पिक्चर शुरू हो गई, पिक्चर शुरू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम अब मैं क्या बताऊं? सर उस दिन मैंने पूछा सारे बच्चों से कि उन्हें क्या बनना है। कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है एस्ट्रोनॉट बनना है, ये बोलते हैं इन्हें बांसुरी बजानी है। तो कितनी अच्छी बात है ना मैडम जी, मेरे बेटे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अरे नहीं मैडम, बांसुरी हमारी क्लास में एक लड़की का नाम है, हाथ धो के उसके पीछे पड़ा है, बिल्कुल अपने बाप पे गए। हेलो क्या गया मेरे पे? मैडम इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लड़का है ना, इस औरत ने भी काट रखा है। छोड़, अब हाथ पकड़ लिया, गोदी में जाके बैठ जाना उनकी। अब बैठ जाऊंगा, तुझसे तो अच्छी है कम से कम। हाँ हाँ, अब तो सब मुझसे अच्छी लगेंगी ना, खुद की शक्ल देखिए, अखरोट सी शक्ल का। देख लो मैडम, ये इस औरत की तमीज है, ऐसा है सुनना, मेरा मुंह मत खुलवा। तू मेरा मुंह मत खुलवा, उसे शर्मा के साथ क्या कर रहा था तू? वो तो मेरी कजन बीवी जैसी है। अरे मैम ऐसी कितनी तेरी कजन बीवी घूमती रहती है। तू ऐसे काम कर, अपना काम कर। अबे तू क्या कर रहा है? ये लड़का ना तूने भी काट रखा है, जो तू कपड़े पहन रही है ना मेरे पैसों के, जो तेरा भाई भाई मुझे फोन करता रहता है ना चौपी चौपी कर दारू के लिए, वो तो ये है, वरना कब का तलाक देता इसके चक्कर में। अच्छा मेरा जो भाई है वो कालू, मेरा भाई तेरा बाप, तेरे घर वाले छाती पे चढ़ जा। को आना ही नहीं है यार। सर मेरा लड़का। देखिए आपका बेटा जो है। क्या किया, क्या किया तूने रामदादे? क्या किया इसने, क्या किया? अरे सुन तो लीजिए एक बार। अरे क्या सुनने के लिए बाकी बचा अब, क्या कर वाले? तूने मेरी नाक कटवा रखी है, तूने मेरी नाक कटवा रखी है, क्या किया इसने? अरे ऐसे नहीं मार सकते, वो बड़ा हो चुका है, पुलिस कंप्लेंट कर देगा आपके लिए। अपने बाप की कंप्लेंट करेगा? अपने बाप की पुलिस कंप्लेंट करेगा? अपने बाप की? अरे रुको तो सही यार, क्या आज तू गया? अपने बाप की कंप्लेंट करेगा तू? आराम कर। अरे ऐसे मत मारो भाई, सुनो पहले बात सुनो। आप भी इसमें मत बोलिए, ठीक है? ये बाप बेटे का निजी मामला है, नाक कटवा रखी तूने आराम जादे है, पढ़ना नहीं तेरे को साले आराम जादे। मैं ये कह रहा हूँ वो शार्प माइंडेड है आपका बेटा। आराम जादे तू शार्प माइंडेड भी है, शार्प माइंडेड भी है, शार्प माइंडेड भी है तू। शार्प माइंडेड का मतलब होता है आपका बेटा बहुत होशियार है, मारो मत उसे ऐसे। 95 आए हैं उसके 100 में से, अच्छे नंबर है। राम जादे पांच नंबर खा दे, पांच नंबर खा गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा बेटा, इसको तो मैंने पहली बार देखा है। मैम हम क्या करें, हम खुद परेशान हैं। इसको कितनी बार कहती हूँ पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ के ही नहीं देता मैम। मैम हमें पता कैसे पेट काट काट के स्कूलों की फीस भरते हैं हम, कैसे ट्यूशनों की फीस भरते हैं हम। मैम आप एक काम करो, इसको आप जमीन पे बिठा दो, हमारे तरफ से फुल इजाजत है। आप ना इसको पूरी क्लास के सामने मुर्गा बना दो, इसको इसे तबक लाएगी मैम। हम इतना परेशान है, नहीं मरता मैम, ये क्या करे? चुप करो मैंने। मैम ये अपनी कच्ची तकरी बदलता, 7-7 दिन हो जाते एक ही कच्ची पहन के घूमता है। आप एक बात बताओ, कच्ची नहीं बदलेगा तो कैसे नंबर आएंगे? इसको बोलो कच्ची बदले, तभी तो नंबर आएंगे। बर्बाद हो गई मैम। भाई साहब आप एक बात बताओ, इसको ना मैंने 1000 बार बोल रखा है चिकन मत खा मंगलवार को, इसने ना मंगलवार को चिकन खाया पता है, इसीलिए इसके नंबर नहीं आते। भाई साहब मैं गलत कह रही हूँ? नहीं कह रही ना, इतना पैसा हो गया तेरी पढ़ाई के ऊपर, अगर आज इस पे भूखा होता ना तो ये कलेक्टर बन चुकी होती, मेरी छाती चौड़ी कर चुकी होती। और खुद को देख दू, बचपन में अपने माँ बाप की सुनो, फिर शादी के बाद अपने खसम की सुनो, उसके बाद ये बच्चे बड़े हो जाते तो उनकी टीचरों की सुनो। जिंदगी भर सुनी रही हूँ, किसी को सुना नहीं पा रही। ओए सुन रहा ना तू? अच्छा तू सो जा चैन से, और तेरी ये बूढ़ी माँ ना सोए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तेरे बाप से शादी करी।
देखिए आपका बेटा बहुत ही ज्यादा होशियार है। होशियार मेरी औलाद है, मेरा राजा बेटा, एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगा, देखना शुरू से कहता हूँ मैं, बनेगा डॉक्टर ही। लेकिन ये पढ़ाई में नहीं लगाता। हराम ज़ादे, पढ़ाई में जाने लगा था, मुझे शुरू से पता है कुछ नहीं कर सकता, नकारा बेटा एकदम। अगर ये पढ़ाई में दिमाग लगाए ना तो इसके 100 में से 100 नंबर आए। क्यों नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ मेरा राजा बेटा है, 100 में से 100 क्या, 100 में से 110 लेके आएगा मेरा बेटा, शेर है मेरा बेटा। पर चंचल है थोड़ा। चंचल है, चंचल है तू, कतई चंचल आ नहीं हो रहा है, चंचल चंचल। देखिए नंबर तो आ जाते हैं। तो क्यों नहीं, मेरा बेटा देखना एक दिन एस्ट्रोनॉट बनेगा, मैं जानता हूं ना मेरा राजा बेटा। लेकिन ठीक है परफॉर्मेंस। अरे मैं कह रहा हूं मेरा राजा बेटा एक दिन इंजीनियर बनेगा, देखना राजा बेटा, शेर है मेरा बेटा, शेर। आजा। नमस्ते मैडम। सर आपका लड़का इतना बदतमीज है, पूरे दिन क्लास में शैतानी करता रहता है। मैं मान ही नहीं सकता मेरा बच्चा शैतानी करे, मैं मान ही नहीं सकता। आप इसका चेहरा देखो कितना मासूम है, देखो एक बारी, ये लगता है कैसा शैतानी करेगा, मैं मान ही नहीं सकता मैम। और चलो मान लिया बच्चे शैतानी तो करेंगे ना, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनका बाप, माय सन। देखिए सर ये क्लास में बहुत बोलता है। तो मैम अब गूंगे बच्चे पैदा कर दे हम, मेरा बच्चा है मनमोहन सिंह थोड़ी है जो चुप रहेगा, बच्चियां बोलेंगे, माय सन। सर अपने बच्चे की साइड मत लीजिए, उसको एक का आंसर भी नहीं आता। वल्ले, एक का आंसर नहीं आता, बाकी को तो आता है ना, है? बाकी को तो आता है ना, अब एक आंसर की वजह से तुमने मैं पीटीएम में बुला लिया, क्या पागल टीचर हो यार तुम, माय सन। सर आप ये देखिए 10 इंग्लिश में, 20 मैथ्स में, 20 साइंस में, टोटल में 50 नंबर आए इसके। टोटल में 50 है ना, तो उसको टोटल पढ़ाओ, इसका इंटरेस्ट जब टोटल में था, टोटल क्यों नहीं पढ़ाते इसको, इतने अच्छे नंबर टोटल में लेके आया, आज से तेरे को हम बनाएंगे टोटल स्पेशलिस्ट, अब से टोटल पढ़ेगा सिर्फ, ठीक है, माय सन। मेरे को तो लग रहा है टीचर ही गलत है, इसको पता नहीं किसने टीचर बना दिया, पर टीचर है ये, टीचर तो है ही नहीं कहीं से, चलो बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। हाय पूरव। नमस्ते। ही इज डूइंग वंडरफुल इन क्लास, आई मीन लुक एट हिज ग्रेड्स, like he's achieving many great heights and he'll achieve many great things in life. padhta kyun nahi hai tu, padhta kyun nahi hai, yes acha tareef kar rahi hai, mere ko english you know very well, meet english every day, her mother is hindi, I english, you say but sir I'm a little bit disappointed, I mean he teases girls a lot. My child teases. He abuses also sometimes. She good. I'll told you everything today. She is my male daughter. We have 5 children. She is my male daughter. Other female son. If he don't padhai, if he don't, her mother pitai me. I pitai he and we all hepatitis B and IFA award and Sachin Tendulkar. Okay. Yeah. And I fuck you. Huh? क्या बोल रहे हो? तूने तो बताया था कि मिलने को fuck बोलते हैं। पागल हो गए हो? अरे तूने तो बोला था उस दिन मिलने को fuck बोलते हैं। तो I'll fuck you. Thank you sir. You may go now. गुस्से में हो गई लगता है मैडम। नमस्ते सर जी, मेरा बेटा जी, इस लड़के ने ना पूरी क्लास की ना क्या जी ना कुछ ही कर रखी है जी, जय मैं आपका बेटा जी, मेरा बेटा है क्यों नहीं, गॉड ब्लेस यू, और जी थोड़ी सी पढ़ ना 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 ना, ना गाल नहीं खड़नी और कोई किताब भी नहीं पढ़नी, मेरा शेर है, मेरा नाम ऊंचा कर दिया, छाती चोड़ी कर दी बाप की, जाओ जी जाओ जाओ, चला जा। गुड मॉर्निंग सर। सर अब मैं क्या बताऊं, सर गाली बहुत देता है ये। अरे मैडम हम क्या बता, हम खुद इससे परेशान है, हमारे पूरे परिवार में कोई गाली नहीं देता, पर ई मादर चोट भोसड़ी वाला गाली देता है, गाली देता है। सर गाली तो ठीक है सर, ये सिगरेट भी पीता है,
हम बता रहे हैं ना आपको, हमारे पूरे परिवार में कोई सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता, सीधा मुंह लगाते हैं मादरचोद। सर सिगरेट तो ठीक है, दारू भी पीता है ये। हरामजादे तूने बिल्कुल मेरा बीपी बढ़ा रखा है, अब जब तक दो पैग अंदर नहीं जाएंगे हमारा बीपी नॉर्मल नहीं होगा। रखना दो बे। हाँ कहा कर तुम दारू पीटा है, हो सड़ी वाले दारू पियोगे तुम, किसको देख के सीख रहे हो तुम ये सब है? किसको देख के? मैडम को खुद समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान है इस मादर चोट से। नमस्ते सर, आपके बेटे की परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ही इज डूइंग ग्रेट। इसकी परफॉर्मेंस कमाल कर रहे हो सर जी, मैं मान ही नहीं सकता इसकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी हो, ये किताब तक नहीं उठाने के देखता घर पे। नहीं सर अच्छा कर रहा है ये, स्कूल से आता बैग फेंक देता, छूता तक नहीं है बैग को कभी, और इसका पूरे दिन लौंडे के साथ वो कौन सी गेम खेलता रहता है, क्या है वो रबजी सब्जी पार्ले जी, क्या है वो? नहीं जी पबजी पबजी। हाँ वही कबजी, पूरे दिन लौंडे के साथ कबजी कबजी करता रहता है, कैसे होगी परफॉर्मेंस अच्छी इसकी? नहीं जी इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ही इज डूइंग ग्रेट। सर जी कुछ गलती हुई है, टोटली मिस्टेक हुई होगी, इसके नंबर आ ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ फर्रे चलाता होगा ये, पक्का बोल रहा हूँ मैं। और जो पिछले हफ्ते जो तुमने राहुल को सस्पेंड किया ना बम फोड़ने के चक्कर में, मैं लिख के देता हूँ इसने बम फोड़े हैं। मैं जानता हूँ राहुल को, एक नंबर का लड़का है, उसकी माँ को भी जानता हूँ, एक नंबर की माल है, एक नंबर की माँ है, अच्छी परवरिश दी अपने बेटे को, इसने फोड़े होंगे बम, इसकी माँ भी इसकी तरह घटिया है। सर इन्होंने प्रिंसिपल मैम की छाती गर्व से चोरी कर रखी है। छाती चोरी कर रखी है? हाँ जी। दिखाओ प्रिंसिपल मैम दिखाओ, मैं भी देखूंगा कितनी छाती चोरी कर रखी है, छाती देखूंगा मैं, दिखाओ। मैं बता रहा हूँ दोनों मुझे मिलकर पागल बना रहे हो, इसके नंबर आ ही नहीं सकते, फ्रॉड है ये, चीटिंग है ये, जा रहा हूँ मैं। आइए बैठिए। ये कौन? ये राजू। क्या? राजू पापा, राजू राजू पापा। पिछली बार थोड़े मोटे नहीं थे? कलियों का चमन जब खिलता है थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा सोना लगता है, हीरे मोती जड़ते हैं। हाँ वो पापा ने जिम स्टार्ट कर दिया ना, वो बॉडी बॉडी बना रहे हैं इसलिए तो। अरे पापा क्या कर रहे हो पापा? आप ये रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दीजिए। साइन हो गए, हम साइन हो गए, हम चलते हैं, थैंक यू। चलो पिछली बार तुम्हारे पापा कोई और नहीं थे? मैम क्या हुआ ना, पापा जब पीटीएम से निकले ना तो पापा का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नए पापा लाने पड़े, तो मेरा मतलब है इसलिए नई शादी करी मम्मी ने, तो नए पापा है ना पापा? ये सच में तुम्हारे पापा है? हाँ हाँ मैम, वो इनकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए काले काले नजर आ रहे हैं। आप रिपोर्ट कर दो, मैं साइन करवाता हूँ। जो भी ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी दिख रहा है आपको इस पे एड फॉलो ट्वीट जो करना है करो। कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप लविंग, लव यू।